redox reaction. I hope chemical bonding is clear to you. If you are having any doubt, you can ask beta. Chemical bonding में main हमने पढ़नी है VBT, ठीक है, Vesper theory, VBT theory, hybridization and molecular orbital theory. उसके साथ साथ Lewis structures तो आपने सबके पढ़ने ही हैं. जब तक structures नहीं पता होंगे तब तक कोई molecule आपको नहीं बनाना आएगा, ठीक है. तो dipole moment भी जो है वो molecules के structures के साथ linked है, ठीक है. तो maximum इसके questions देखने हैं हमने, right? कैसे हम इसमें बना सकते हैं और MCQs बहुत maximum इसमें से बन सकते हैं आपके. ओके, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपने देख लेना है. मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स भी कैलकुलेट करने बताए थे, एक एग्जांपल की थी ना हमने जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताई थी. ओके, तो वो भी हमने कर लेना, राइट. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. सो दिस यू हैव एक्चुअली डन इन योर 10th स्टैंडर्ड अबाउट द रिडॉक्स. ओके, so in your 10th standard you have discussed the concept of oxidation and reduction. पढ़ के आए हैं ना हम, ठीक है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट हमने पढ़ा है 10th में. सो अकॉर्डिंग टू द डैड कंसेप्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? आप क्या कहते हो कब ऑक्सीडेशन होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ, या और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो इफ दिस थिंग हैपन देन वी कॉल दिस प्रोसेस अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, और जो हमने यहाँ पे लिखा है उसका रिवर्स यहाँ पे लिखेंगे. रिडक्शन में क्या होगा? देयर विल बी द एडिशन ऑफ hydrogen and there will be the removal of oxygen. अब इस कंसेप्ट को हम ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, पढ़ के आए हैं हम अभी तक, ठीक है. ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हम इस कंसेप्ट को ऐसे भी देख सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही है, दैट इज आल्सो कंसीडर इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन. अब जरूरी नहीं है कि आपको हर एक जगह पे ऑक्सीजन मिले, ऐसा नहीं हो सकता ना. मेरा नंबर ऑफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आप 10th तक पढ़ के आए उसमें आपको सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली एग्जाम्पल्स देते हैं, तो लिमिटेड एग्जाम्पल्स होती हैं हमारे पास. बट ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन हो, हमारे पास कुछ और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. तो addition of that electronegative element it also marks the oxidation process. और hydrogen क्या होता है? Electropositive. तो electropositive element की removal हो जाती है तो उसको भी हम किस process में लेते हैं? Oxidation. Clear? And similar applies here. Addition of electropositive element will be reduction and removal of electronegative element will be reduction. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने addition कर दिया electropositive element की या आपने removal कर दिया electronegative element की, तो ये किस में consider किया जाएगा? Reduction में consider किया जाएगा, ठीक है. Let's take the first example. बहुत simple example है. आपने मुझे ये बताना है बस कि oxidation और reduction हो रही है किस में हो रही है. इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, बताइए. प्रोसेस बताओ कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है. सो हियर देयर इज एडिशन ऑफ, ठीक है, ये बताओ. नमन, आपको क्या लगता है क्या होगा ये, कैसे ऑक्सीडेशन है?
सेम रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो दोनों तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि ऐसे लिख सकती हूँ मैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव फिशेस, तो अगेन दिस इज ऑक्सीडेशन. अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल. दिस इज रिडक्शन, कौन ऐड हो रहा है, रिडक्शन है और देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वेरी गुड. ये बताओ बेटा, इज दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इज दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. हाँ जी, इज दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. देखो अगर मैं इसको देखूं, H2S, इसके साथ हाइड्रोजन लगा. स्टार्टिंग में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम उन्हीं चीजों को देखते हैं ना, रिएक्टेंट्स वाली, द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो H2S में से हाइड्रोजन लगी हुई थी. जब ये फॉर्म हुआ तो इसमें से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गई, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गई. इसमें पहले हाइड्रोजन नहीं थी, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गई तो हाइड्रोजन ने HBr बना दिया. अब ये कौन सा प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इस प्रोसेस में हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है ना, H के साथ हाइड्रोजन लगा था, अब वो सिंगल रह गया है. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो वो तो प्रोडक्ट में है ना, हम जब भी एजेंट्स बताते हैं तो वो हम रिएक्टेंट वाले बताते हैं कि प्रोडक्ट वाले बताते हैं. तो रिएक्टेंट में तो एक्चुअली सल्फर के साथ लगी थी ना, तो सल्फर ने उसको रिमूव कर दिया, सल्फर ने उसको रिमूव कर दिया तो सल्फर अकेला हो गया. ठीक है, सो दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट राइट डाउन, राइट डाउन दिस रिएक्शन नाउ, के आई प्लस एच टू ओ टू इट गिव्स आई टू प्लस के ओ एच. ठीक है, मैं बैलेंस भी नहीं लिखूंगी तो देख लेना, क्योंकि बैलेंसिंग हमारा अभी पॉइंट नहीं है, हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पॉइंट. उसको नहीं हम रिडक्शन कहेंगे ना, द प्रोसेस इज कि हम जो एजेंट्स हैं वो इसमें से बताते हैं. ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हो कि इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है. ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, एक हमने एजेंट भी तो बताना होता ना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो एजेंट भी तो हमने उनके साथ में बताने होते हैं, एक की अगर ऑक्सीडेशन हुई है दूसरे की रिडक्शन हुई है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है. अब इसमें बताओ बेटा, इतना टाइम जो जैसे हो गया वैसे इसको कंपेयर करके देखो,
यहाँ पे सल्फर अकेला हो गया था, यहाँ पे आयोडीन अकेला हो गया, आयोडीन अकेला हो गया, यानी कि उसने क्या लूज किया है, पोटेशियम। पोटेशियम इज व्हाट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगेन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये बताओ, एक ये बताइए बेटा, ZnO plus C, it gives Zn plus CO, reduction process. ठीक है, here there is removal of oxygen. ये oxygen remove हो गया ना। ठीक है, next is balancing again, मैं नहीं देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि balancing अभी important नहीं है हमारे यहाँ topic में। चलिए इसमें बताओ, रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन, नमन कैसे, किसकी एडिशन हुई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ, ये इसके साथ कंबाइन कर गया और HCl बन गया। ओके, सो दिस मार्क्स आल्सो द रिडक्शन। क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर टाइम पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही गिवन हो। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ दीज ऑल्सो यू कैन बी डिफाइंड अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन मार्क। ओके, अब जो चीज ऑक्सीडेशन करती है दूसरों की और खुद रिड्यूस होती है, वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, द एजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। जितनी भी आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखी हैं, जस्ट गो थ्रू देम, जितनी भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाई हैं, उसमें से मुझे एक या दो रिड्यूसिंग एजेंट्स बता दो। गो थ्रू द रिएक्शंस एंड जस्ट टेल मी वन और टू रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो एजेंट्स जिन्होंने ऑक्सीडेशन की और खुद रिड्यूस हो गए, जो खुद रिड्यूस हो गए, सल्फर और नहीं, सल्फर कहां से आएगा बेटा, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपने रिएक्टेंट्स में से बताने हैं, प्रोडक्ट में से थोड़ा ना बताने हैं। रिएक्टेंट्स वाले देखो, H2S, वेरी गुड, दे आर नॉट H2S, H2S के साथ Br2 है, नहीं है वो बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई है ना, पोटेशियम आयोडाइड की तो ऑक्सीडेशन हुई है, रिमूवल ऑफ पोटेशियम आयन किसने की है, हु हैज डन दैट ऑक्सीडेशन, H2O2। तो एजेंट कौन सा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ, समझ रहे हो। एजेंट क्या करता है, एजेंट दूसरों का काम करता है। यहां पर हमने वो वाला आपका मॉलिक्यूल देखना है या एटम देखना है जो दूसरों का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट बताऊं तो डेट इज H2O2। H2O2 ने क्या किया था, इस KI का K हटाया, उसको I2 में कन्वर्ट किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज थी इसमें। तो ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। आपने अभी इसकी भी एग्जांपल दी थी सहज, इसकी एग्जांपल दी थी ना अभी तूने, कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसकी क्या होगी फिर, तो ये कौन सा एजेंट है। ठीक है, सिमिलरली जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है अब उसमें से बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिमिलरली जो रिडक्शन वाली एग्जाम्पल है उसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। नहीं, जिंक नहीं होगा, जिंक में से तो लॉस हुआ है, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, कार्बन की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा फिर,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? और बताओ, और दो रिएक्शंस में कौन सा होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी दो रिएक्शंस में हाइड्रोजन था ना, ठीक है, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, विच ब्रिंग्स अबाउट द रिडक्शन ऑफ द अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरों की क्या करता है? रिडक्शन करता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? क्लियर है ये? आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए। अब एक नया कंसेप्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अकॉर्डिंग टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ, ठीक है। अब कई बार हमारे पास चार्ज स्पीशीज भी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं या गेन करती हैं, तो फिर हमने उनमें कैसे देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। द स्पीशीज दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स दैट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनए है, एनए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनए पॉजिटिव, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ओके। सिमिलरली एफ थ्री पॉजिटिव है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया है? एफ टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, नो, Fe2 पॉजिटिव ने Fe3 पॉजिटिव वाले एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिन चीजों ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है दैट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज एक्चुअली द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, राइट, एंड इट विल फॉर्म सी एल नेगेटिव, ठीक है। सी एल ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड इट इज गोइंग टू गिव यू सी एल नेगेटिव। सिमिलरली इस रिएक्शन को अगर मैं लिख दूं, एफ थ्री पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफ थ्री टू पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है नेक्स्ट, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो ऑक्सीडेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ हुए तो रिडक्शन है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने गेन करना है तो गेन वाले हमेशा इधर को गेन करेंगे, इन्होंने लूज करना है तो इधर वाले लूज करेंगे। एक हमने ये भी ऑक्सीडेशन लिखा था, इधर हमने लिखा था इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वैलेंसी है वो बढ़ रही है, ठीक है, इसको भी हम ऑक्सीडेशन में काउंट कर सकते हैं। और वी कैन से डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी का कम होना भी कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। जैसे आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों टर्म से बताया, वैसे ही अगर पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रही है और नेगेटिव वैलेंसी कम हो रही है तो ये सारे किस में आएंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। अच्छा, इसमें भी मैंने दोनों लिखी दी हैं, यहाँ पर इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी और डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, तो दे बोथ मार्क द रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट क्या है, ओके।
तो ऑक्सीडेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वी कॉल्ड इट एज डी इलेक्ट्रोनेशन. डी इलेक्ट्रोनेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो हम इसको इलेक्ट्रोनेशन कह सकते हैं प्रोसेस. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेशन एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी इलेक्ट्रोनेशन. ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? एक एक रिएक्शन क्लियर हो गई है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट भी आते हैं. आप लोअर क्लासेस में वैलेंसीज का कंसेप्ट पढ़ के आए हो. ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, लिथियम की 1 वैलेंसी है. आप ये कंसेप्ट पढ़ के आए हो वैलेंसी का. ठीक है, अब ऐसे ही जो चार्जेस का कंसेप्ट है डेट इज ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर ये हमने आई गेस सेकेंड या थर्ड चैप्टर में किया था, तो वहां पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था आपको. ठीक है, अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट इन वेरी वेरी डिटेल. तो जब हाइब्रिडाइजेशन आपने की थी, याद है CONH3 वाली मैंने बताई थी, और उसमें मैंने आपको कहा था कि वी विल बी स्टडिंग हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग कि यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो 3 पॉजिटिव स्टेट में है. याद आया? याद आया जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट करवाया था, उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन लोकेट की थी इसकी. तो तब मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है. ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली एक आर्बिट्ररी चार्ज है. ठीक है, आर्बिट्री मीन्स इट विल वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड. ठीक है, अगर मैं सपोज फॉस्फोरस का कंपाउंड ले रही हूँ एक, और सिमिलरली मैं फॉस्फोरस का दूसरा कंपाउंड ले रही हूँ कोई, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों में जो फॉस्फोरस की स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो सेम रहेगा. इट इज नॉट कंपल्सरी एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो फॉस्फोरस है वो इन दोनों में अपना सेम चार्ज शो करे. ठीक है, so this concept is oxidation number where we will be seeing that in a particular compound jo aapka koi bhi atom hai wo kya state bear karta hai, kaun sa charge bear karta hai. theek hai, it will vary from compound to compound where you will see a particular atom is present in which of the oxidation state, ki uski oxidation state kya hai. तो ये एक आर्बिट्ररी चार्ज है जो हम हर एक कंपाउंड को असाइन करते हैं, हर एक कंपाउंड के हर एक एटम को क्या करते हैं, असाइन करते हैं. ठीक है, आर्बिट्ररी चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर. अब इसकी डेफिनेशन नहीं हम करेंगे बिकॉज मेन क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, वो मेन है हमारा. ओके, तो इसके कुछ रूल्स हैं. देयर आर सम रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. सबसे पहले तो जो आपके एलिमेंट्री फॉर्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे Cl2, O2, N2, H2, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहे हैं, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सीधी सी बात है, कहते रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कोई कंपाउंड ही नहीं बनाएंगे, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर दें हम इनको. ओके, सो देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. सेकेंडली, अगर आपके पास कोई चार्ज्ड स्पीशीज एज इट इज पड़ी हुई है, जैसे Ca2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ऐसे कुछ चीजें हैं आपके पास, तो जो इनका चार्ज है, व्हाटएवर चार्ज दे आर बेयरिंग, दैट विल बी देयर ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, जो उनका चार्ज है वही उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर. सेकंड रूल क्लियर हो गया? इज द सेकंड रूल क्लियर पहज? ठीक है, थर्ड रूल देखिए. अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे. इफ आई टॉक अबाउट NH3, अगर तो हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है,
अगर तो हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो हाइड्रोजन जो है वो किस स्टेट में होगा? प्लस ही होता है, प्लस वन ही होती है ना उसका चार्ज। तो हाइड्रोजन जो है वो कौन सा चार्ज शो करेगा, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? प्लस वन। बट अगर कुछ ऐसा है, अब हाइड्रोजन के पास उससे भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोई चीज अटैच कर दी है, समझ रहे हो? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन ने खुद ही मान लिया कि मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूँ। बट अब हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज अटैच है, तो वो कहता मैं क्यों मानू अपने आप को इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जब मेरे से भी कम वाले इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्रेजेंट है तो मैं अपने आप को इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों मानू? ठीक है, सो इन दिस केस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन विल बी -1। वो कहता मैं इनसे इलेक्ट्रो नेगेटिव हूँ, ये मेरे से छोटे हैं अब, राइट, ये मेरे से इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, बट आई विल बी बियरिंग नाउ माइनस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर है, जब हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ अटैच है तो उसने अल्टीमेटली प्लस स्टेट में चले जाना। बट यही अगर वो किसी और एलिमेंट्स के साथ अटैच है, मेटल्स के साथ अटैच है जो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो फिर -1 स्टेट में जाएगा। सेम ऑक्सीजन का बिहेवियर है, और ऑक्सीजन वाली लाइन आपने ऊपर लिखनी है टॉप पे, राइट डाउन। ऑक्सीजन को -2 चार्ज असाइन है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द ऑक्सीजन। इन कंपाउंड्स लाइक Na2O, Na2O2, इन कंपाउंड्स लाइक Na2O2, H2O2, ये दो कंपाउंड्स Na2O2 में और H2O2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है डेट इज -1, याद रखना है। Na2O2 एंड H2O2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है डेट इज -1। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट, इन OF2, इन OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, +2 है। सेम चीज जो है वो ऑक्सीजन पे लगी है, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आ गई FON, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो अब वो कह रहा है कि मैं क्यों ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज लेने दूं जबकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है? राइट डाउन द नेक्स्ट रूल, अगर आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस वाले आ रहे हैं जैसे HCl, MgCl2 सॉल्ट्स आ रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जो उनका चार्ज होगा वही असाइन करना है। जैसे MgCl2 है उसमें मैग्नीशियम का कितना होगा? 2 पॉजिटिव, क्लोरीन का कितना होगा? 1 नेगेटिव। ठीक है, तो उनका सेम ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक CH4 एंड H2SO4, इफ यू आर हैविंग सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक CH4 एंड H2SO4, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all elements, the sum of oxidation number of all elements is 0. ये concept है formal charge वाला, पढ़ के आए ना हम formal charge, सबका plus करते थे 0 आ जाता था, यानी कि molecule neutral है। ठीक है, यही जब हमने SO42 negative के case में पढ़ा था, याद है आपको? SO42 negative और CO2 के case में पढ़ा था, तो जो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लगे हुए हैं ये डिफरेंट है। ठीक है, तो एक जो था वो कैसे बॉन्ड था? डबल बॉन्डेड था, एक सिंगल बॉन्डेड था, तो इनका फॉर्मल चार्ज अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो चार्ज्ड स्पीशीज हैं, द स्पीशीज दैट आर चार्ज्ड एक्चुअली, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कर रही हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ बचता है, दैट इज नॉट 0। समझ आई बात? मेरे पास कुछ ना कुछ बचेगा, डेट इज नॉट 0, इसीलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आया है 2। यानी कि इन दोनों का अगर मैं
अकेला अकेला चार्ज प्लस करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? जैसे CH4 के केस में मैंने क्या कहा है कि जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होगा और ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे यू विल बी गेटिंग जीरो, बट हेयर यू विल नॉट बी गेटिंग जीरो, यू विल बी गेटिंग -2, इसीलिए इसके ऊपर -2 लिखा गया। रूल्स क्लियर हुए? रूल्स क्लियर हैं सारे? अब एक सिंपल सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। राइट डाउन फॉर CH4, राइट डाउन फॉर CH4। अच्छा, हर एक केस में आपको बताएंगे कि आपने किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, ठीक है? हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक कंपाउंड में आपको बताया जाएगा कि आपने किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, ठीक है? जैसे CH4 में आपने कार्बन का करना, क्या करना है, हमने जिसका हमने निकालना है उसको हमने ले लेना है X, ठीक है? जिसका मैंने निकालना है उसको मैंने क्या ले लेना है? X। हाइड्रोजन का क्या होगा? अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक हाइड्रोजन का कितना बताया? +1, तो चार का कितना हो जाएगा? +4। मॉलिक्यूल क्या है? अभी बताया न्यूट्रल है, बताया ना अभी, CH4 मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, इज इक्वल टू 0। तो कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? -1, ठीक है जी? समझ आया कैसे ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना? हाँ, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, अदरवाइज उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम है उसका, क्योंकि इधर को जब जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, बट यहाँ पर हम जो चीज साथ में लगी है उसको देख के बात कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन की ही बात की थी मैंने, अब कहने को ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट जब हमने दोनों को साथ में देखना है तो एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कार्बन उसके कंपैरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? अब एक होमवर्क में लिख लो, H3PO3, HNO3, इसमें आपने नाइट्रोजन का निकालना है, इसमें आपने फॉस्फोरस का निकालना है, और ऑक्सीजन इज इन -2 स्टेट, ठीक है? ऑक्सीजन दोनों में -2 स्टेट में, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है 1 स्टेट में है।